नमस्कार मित्रों, आज हम वैदिक गणित के सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र की सहायता से गुणा को कैसे आसानी से कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का अर्थ है पूर्व की संख्या से एक कम। इस सूत्र का प्रयोग हम तब ही कर सकते हैं जब एक संख्या 9 अंकों की बनी हो, और इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है दोनों संख्याओं में अंक बराबर हों, दूसरी है 9 अंक वाली संख्या में अधिक अंक हों, या तीसरी है 9 अंकों वाली संख्या में अंक कम हों। तो इस तरह से हम तीनों प्रकार की समस्याओं को कुछ उदाहरणों की सहायता से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम तीनों प्रकार की संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं 63 × 99। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि एक दोनों संख्याओं के अंक बराबर हैं, और जो दूसरी संख्या है वो 9 के अंकों से बनी है। तो इसके लिए एक न्यून पूर्वेण यानी न्यून पूर्वेण सूत्र, तो इसमें क्या करते हैं एक कम कर देते हैं, दो सिले बना लेते हैं, इसमें से एक घटाएंगे तो आएगा 62, और ये 9 के अंक लिख देंगे। अब हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 6 गए 3। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इसी क्रम में हम एक और उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 6 × 9। तो यहाँ भी दोनों अंकों की इधर भी एक है इधर भी एक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए 6 × 9, तो एक पूर्वेण न्यून पूर्वेण यानी इसमें से एक कम करेंगे तो सिले बना लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लिखेंगे 9 − 4 = 5 = 4। तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं 1899। इसका सॉल्यूशन हम करते तो 18 में से 1 कम करेंगे यानी 17, और ये 99। अब उत्तर लिखने के लिए आंसर जो हमारा प्राप्त होगा वो होगा, ये 9 के 9 लिखते हैं और इसमें से 9 − 7 = 2 और 9 − 1 = 8। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। एक उदाहरण लेते हैं 2799। इनका गुणा करते हैं, चौथा उदाहरण है हमारा। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा इसमें से एक कम यानी 26, और 99 को 9 के 9 लिख देते हैं। अब हमने जो उत्तर ज्ञात करना है, जो हमारा आंसर है वो प्राप्त होगा, इसे ऐसे लिख देते हैं। और जो अगली संख्या उसमें हम 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 2 गए 7। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो गया। इसी क्रम में हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, और हम 3 अंकों की संख्या का ले लेते हैं 1379999। तो ये सूत्र है एक कम यानी 136 और ये 999। अब जो आंसर लिखेंगे वो हमारा आएगा 136 एज इट इज, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 1 गया 8। इस प्रकार से हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं 1437999, यानी दोनों अंकों जो अंक हैं दोनों संख्याओं में बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसमें से एक कम यानी 1436 और ये 9999। इस प्रकार से इसमें से एक कम करके लिख दिया हमने। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने के लिए हमें इस संख्या को 9 के 9 लिखना होता है एक बार, 1436। अब इसमें से सभी अंकों को घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6,
नौ में से चार घटाएंगे पांच और नौ में से एक घटाएंगे आठ। तो इस प्रकार से हम इसको कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम बहुत कम सेकंडों में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम दूसरे क्रम की जो संख्या है नौ अंकों वाली संख्या में अधिक अंक हों तो उसके लिए हम कैसे हल करेंगे। इसके लिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4 3 × 9 9 9, यानी इस संख्या में जो 9 अंकों वाली संख्या है उसमें अधिक अंक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक तो वही है एक न्यूनेन पूर्विन, यानी एक कम पूर्वी संख्या से। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो 43 है उसमें से एक कम करेंगे तो आ जाएगा 42, और ये हमारे पास संख्या है 9 9 9। इधर एक अंक कम है तो हम इसको जीरो बना लेते हैं, यानी अब अंकों की संख्या समान हो गई, क्योंकि संख्या के आगे जीरो लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर लिखने के लिए जो ये संख्या है इसे नौ के लिख देंगे 42। अब नौ में से दो गए सात, नौ में से चार गए पाँच और नौ में से जीरो गया तो जीरो सॉरी नाइन। अब हमें ये आंसर प्राप्त हो गया जो बिल्कुल ही आसान है। कुछ और उदाहरणों की सहायता से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 3 7 × 9 9 9 और 9। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, वही एक न्यूनेन पूर्विन यानी इस में से एक कम लिखेंगे 4 3 6 और ये नौ ले देंगे। इसमें एक अंक ज्यादा है तो हम यहाँ पर एक जीरो ले लेंगे। अब आंसर प्राप्त करने के लिए जो ये संख्या है इसे नौ लिख लेते हैं 4 3 6। अब इसमें से एक घटा के लिख दिया जाएगा, नौ में से छः घटाएंगे तीन आएगा, नौ में से तीन घटाएंगे छः आएगा, नौ में से चार घटाएंगे पाँच आएगा, नौ में से जीरो घटाएंगे नौ आएगा। इस प्रकार से हम बड़ी बड़ी संख्या को इतनी आसानी से हल कर पा रहे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं 4 8 6 7 9 9 9 9 9। तो यहाँ भी एक इधर जो नौ वाली संख्या में अंक देखें तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसमें से एक कम यानी 4 8 6 6 9 9 9 9 और 9। अब यहाँ पर एक अंक कम है तो इसका अंक हम जीरो ले लेते हैं और फिर वही प्रोसेस जो हमने ऊपर किया था इस संख्या को नौ गुने ले लेंगे। आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा 4 8 6 6। नौ में से छः घटाएंगे तीन, नौ में से फिर छः घटाएंगे तीन, अब नौ में से आठ घटाएंगे एक, नौ में से चार घटाएंगे पाँच और नौ में से जीरो घटाएंगे नौ। इस प्रकार से कितनी आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा कर पा रहे हैं। इसी क्रम में एक और उदाहरण लेते हैं। तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं, मान लीजिएगा संख्या हमारी 9 × 9। तो इसका सॉल्यूशन इसमें से एक कम यानी 8, सो इधर 9 लेंगे और गुणा में 9 9। तो यहाँ भी एक कम है तो हम जीरो ले लेंगे, ऐसे नौ के नौ ले लेंगे, नौ में से आठ गया एक और नौ में से जीरो गया नौ। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं नौ अंकों वाली संख्या में कम अंक हों, यानी जो नौ की संख्या है उसमें कम अंक हों उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास संख्या है 14 × 9, यानी इसमें क्या है नौ अंकों वाली संख्या है उसमें एक अंक कम है। सूत्र वही है एक न्यूनेन, तो हम इसमें एक कम करेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एक कम करेंगे तो 13 आएगा और इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो 13 आया उसको हम इसके साथ लिख लेंगे 1 3 9,
और जो 13 संख्या प्राप्त हुई थी यानी जो पूर्वी संख्या प्राप्त हुई थी उसको इसी में से घटा देंगे, तो ये आएगा 13। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 2 में से तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 और ये 1, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसी क्रम में हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 2998 into 99, तो इसको हल करने के लिए इसी की तरह सॉल्यूशन होगा हमारा 2998, यानी जो पहली संख्या है उसमें से हम ये कम लिखेंगे तो 2997 और 99, तो इसको हल करने के लिए फिर वही क्रम है 2997 99, इसको हम लिख लेंगे। अब जो हमारी पहली संख्या थी उसको इसी में से घटाएंगे तो 7 9 9 और 2, अब इसको इसमें से घटा के ले देंगे तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ रहेंगे 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये 9 और ये 2, इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी क्रम में कुछ और उदाहरणों की सहायता से हम अपनी इस संख्या को हल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसके लिए हम संख्या ले लेते हैं 2 4 6 7 8 into 9 9 9, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फिर वही हमारा जो पूर्वी संख्या है उसमें से एक कम करेंगे, तो पूर्वी संख्या है 24,678, तो 2 4 6 7 7 एक कम कर दिया, दूसरा स्लैब आया हमारा 9 9 9। अब इस जैसे हमने पहले सवाल में किया था इसको इसके साथ मिला के लिख देते हैं 2 4 6 7 7 9 9 9, अब इसको घटाना है इसी में से तो 7 7 6 4 2, इसको घटा के लिख देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे 2, फिर 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और ये 6 4 2, तो इस प्रकार से हम और ही आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा कर। तो इसी क्रम में हम एक और उदाहरण लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हम एक और उदाहरण लेते हैं 2460 into 99, तो वही एक न्यूनतम पूर्ण तो पूर्व की संख्या में से एक कम करेंगे तो आएगा 2459 99, तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब इसकी जो पिछले सवाल की थी उसी तरह 2459 99, इसको भी इस तरीके से लिख देते हैं और 9, अब जो ये संख्या है इसको घटाना है तो 9 5 4 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 4 2, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से कितनी, इस प्रकार मित्रों आपने बहुत ही आसानी से एक न्यूनतम पूर्णन सूत्र की सहायता से गुणा करना सीखा है। आशा करता हूँ कि आपने मेरी बताई गई विधि से आसानी से गुणा करना सीख लिया होगा और आगे आने वाली जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप उनमें आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। और इसी क्रम में मैं आगे भी और इसी जो वैदिक गणित है उसके सूत्रों की सहायता से गुणा हम किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं उसके बारे में और भी समस्याएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।